नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो 15,000 रुपये का टूल किट सहायता आपको मिलने वाले हैं, वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये तक का लोन भी मिल सकते हैं और दूसरे चरण में 2,00,000 रुपये तक का लोन मिल सकते हैं, महज 5% के ब्याज दर पे। तो इसका किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा और किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा योजना। जैसे ही आप पीएम विश्वकर्मा योजना सर्च करते हैं तो आपके सामने पीएम विश्वकर्मा योजना का वेबसाइट नजर आते हैं। तो आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करके इस योजना के वेबसाइट पे इंटर हो जाना है। जैसे आप इंटर होते हैं तो कुछ इस तरह के वेबसाइट नज़र आते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने CSC लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको CSC लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप CSC को लॉगिन करते हैं तो फिर से आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और CSC लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगला ऑप्शन आपका रजिस्टर नाव का ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले नो करेंगे और दूसरा में भी आप नो करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगर दूसरे में अगर आप एस करते हैं तो आप इस योजना के लिए रजिस्टर करने के लायक नहीं हैं। अगर आप नो करते हैं तो आप इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे चलते हैं और आगे आपको आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उसे फिल करना होगा। इसके बाद 12 डिजिट का आपको आधार नंबर फिल कर लेना है और इसके बाद कैप्चा आपको फिल करना है। आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे और अगले पेज में आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आया होगा जो 6 डिजिट का OTP होगा, उसे आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे फिर आप एक चरण आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद वेरिफिकेशन पे चेक करके आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। बायोमेट्रिक के माध्यम से आपको अपने अंगूठे का निशान लगाना है या फिर कोई भी फिंगर का आपको निशान लगाना है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरा होता है फिर आप एक चरण आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आता है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम दिखाई देंगे, आपके फादर्स नेम दिखाई देंगे, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देंगे और इसके बाद आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन जो आपके सामने आता है वो कैटेगरी का आता है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे किस कैटेगरी में आप आते हैं, SC ST OBC या फिर जनरल, जिसमें आते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन जो आपके सामने आते हैं वो दिव्यांग का आता है। अगर आप दिव्यांग हैं
तो आप यस करेंगे, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नो करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो इसके बाद दिव्यांग का टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर यू डूइंग बिजनेस इन सम स्टेट, क्या आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में आप बिजनेस करते हैं, तो नो का यहाँ पे है, इसे आप यस कर लेंगे चेक करके। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है क्या आप उसी डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस करते हैं, तो उस पर आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं करते हैं तो नो ही रहने देंगे। अगला आपके सामने ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि ऑलरेडी फिल है, और इसके बाद आधार नंबर वो भी ऑटोमेटिक फिल है, आपको पैन नंबर फिल कर लेना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आगे हमारे पास आता है फैमिली डिटेल्स, जो कि ऑटोमेटिक हमारे राशन कार्ड नंबर यहाँ पे फेच करके आ जाते हैं, जो कि पूरा हमारे फैमिली का डिटेल यहाँ पे शो करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके राशन कार्ड में कितने लोग हैं, सारा यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सारा फैमिली का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप उसे देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आधार एड्रेस, यहाँ पे आपका आधार एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, जो कि आधार कार्ड से लिया हुआ सारा कुछ डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्टेट जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी आधार के माध्यम से आ चुका है हमारा, जो भी आधार का जो भी डिटेल है वो सारा कुछ डिटेल आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो करेंट एड्रेस है, क्या सेम जो भी हमारा आधार एड्रेस है वो सेम हमारा करेंट एड्रेस है, तो आप उसे चेक कर लेंगे। अगर कोई अदर है तो आप अदर पे क्लिक करके दूसरा एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल्स की ओर। तो सबसे पहले प्रोफेशनल ट्रेड नेम, आप क्या करते हैं, जो 18 तरह के परंपरागत तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं, और जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसे वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद चेक कर लेना है, और इसके बाद बिजनेस एड्रेस अगर आपका आधार कार्ड में है वही एड्रेस है तो आप चेक कर लेंगे, अगर अदर एड्रेस है तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या सेम एज करेंट एड्रेस है जो आप करेंट एड्रेस पे आप बिजनेस करते हैं तो करेंट एड्रेस पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही सारा कुछ डिटेल आप फिल करते हैं इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है, वो सारा डेटा सेव हो जाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो सेविंग बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आता है, वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले नेम ऑफ बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, और जिस ब्रांच का आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड यहाँ पे आपको फिल करना होगा अगला ऑप्शन पे, और इसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे नेम ऑफ ब्रांच का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। और आगे आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, इसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके आप कन्फर्म कर लेंगे कि अकाउंट नंबर दोनों सेम है। और आगे ऑप्शन हमारा मिलता है क्रेडिट सपोर्ट, क्या आप लोन लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो नो ही रहने देंगे। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना तक लेना चाहते हैं, जो भी फर्स्ट स्टेज में आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे तो मिनिमम अमाउंट आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, और मैक्सिमम है 1,00,000 रुपये आपको मिलेंगे, और दूसरे चरण में आपको मैक्सिमम जो मिलने वाले हैं 2,00,000 रुपये। अगर आप सेम ब्रांच से आप लोन लिए हुए हैं तो सेम एज सेविंग कर देंगे क्लिक, अगर आपका लोन लिया हुआ नहीं है तो आप इसे अनचेक ही रहने देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और डिजिटल इंसेंटिव डिटेल यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है,
अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, इंसेंटिव आप फ़ायदा लेना चाहते हैं इसका, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और नहीं तो इसे छोड़ करके भी आप आगे निकल सकते हैं। इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा सेव हो जाएगा और इसके बाद फिर हम अगले चरण पे आ जाएंगे। अगले चरण में आप देख सकते हैं स्किल ट्रेनिंग, जो कि बेसिक ट्रेनिंग 5 दिनों के लिए आपको मिलेंगे और एडवांस ट्रेनिंग आपको 15 दिनों के लिए मिलेंगी। तो आप ट्रेनिंग को लेना कंपलसरी है 5 दिनों के लिए और इसके बाद आप 15 दिनों का ट्रेनिंग ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये आपको सपोर्ट के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ मार्केटिंग सपोर्ट आप लेना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग सपोर्ट पे क्लिक करके किस तरह का सपोर्ट लेना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप आगे जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको IM एग्री पे क्लिक करके आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर दिखाई देंगे, तो देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर JH से स्टार्ट होता है।